कुछ 500 साल पहले 16 सेंचुरी उड़ीसा में पांच संतों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम है भविष्य मल्लिका। इन पांच संतों को पंचशखा बोला जाता है एंड भविष्य मल्लिका ग्रंथ पाम लीव्स पर लिखी है जो टोटल 318 बुक्स पे डिवाइडेड है। इस बुक को आप बुक ऑफ प्रेडिक्शंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इस बुक में कलयुग के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस दी हुई है जो 500 साल पहले लिखी गई थी। भविष्य मल्लिका में साइंस दिए गए हैं कि कैसे कलयुग का अंत होगा, महाविनाश, सुनामी एक्सेट्रा, और हम वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप रिलेट कर पाएंगे इस साइंस के साथ, जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड घंटा बजा दीजिए। चलिए लेट्स गेट इन टू इट। भविष्य मल्लिका में बहुत सारे प्रेडिक्शंस है बट हम अभी प्रेजेंट टाइम वाले 8 प्रेडिक्शंस को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू भविष्य मल्लिका एंड ऑफ द वर्ल्ड एक 10 साल के पीरियड में होगा जो 2022 से शुरू हो चुका है एंड 2032 में खत्म होगा। तो फर्स्ट प्रेडिक्शन है अबाउट नेचुरल कैलामिटीज एंड क्लाइमेट चेंज। 2022 से 2027 तक नेचुरल कैलामिटीज हाईएस्ट होंगी, अर्थ का टेम्परेचर लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा एंड ग्लेशियर मेल्टिंग का प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। वर्ल्ड के बहुत सारे शहर फ्लडिंग के वजह से डूब जाएंगे एंड वर्ल्ड में एक्सट्रीम साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे एंड इंसानों की सर्वाइवल रिसोर्सेज जैसे खाना एंड पानी की स्केसिटी आ जाएगी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो क्या इन प्रेडिक्शंस में कोई सच्चाई है? इस wired.com के आर्टिकल को देखिए जो हमें इस प्रेडिक्शंस के बारे में सिग्नल्स ऑलरेडी दे रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 2023 से 2027 के पीरियड में वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.1 to 1.8 डिग्रीज बढ़ जाएगा जो लास्ट 200 ईयर्स में हाईएस्ट है। हम ऑलरेडी एक क्लाइमेट इमरजेंसी में स्टेप इन कर चुके हैं एंड लास्ट 140 ईयर्स में सी लेवल 24 सेंटीमीटर बढ़े हैं, वही 1992 से 2022 के बीच में सी लेवल्स 10 सेंटीमीटर बढ़े हैं। अगर वर्ल्ड हंगर की बात करें वो भी रैपिडली बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट, हीट वेव्स, डिजीजेस, पेस्ट्स एट्सेट्रा। एंड हमें अफ्रीका में देखने को मिल रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 34% डिक्लाइन है एंड इंडिया में भी सदगुरु सेफ सॉयल, रैली फॉर रिवर्स जैसे कैंपेन्स चला रहे हैं। 2022-23 वाले पीरियड में शनि यानी सैटर्न कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में प्रवेश करेंगे एंड स्टार्ट होगा द थर्ड वर्ल्ड वॉर। भविष्य मल्लिका के अनुसार 2022 से ही वर्ल्ड में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे एंड 17 जनवरी 2023 के बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे ये एक वर्ल्ड वॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो 6 years and 6 months तक चलेगा एंड ये वर्ल्ड वॉर के एंड में न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल होगा जिसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी लेकिन कुछ लोग सरवाइव कर जाएंगे। भविष्य मल्लिका में लिखी है एक दिन आसमान में दो सूरज दिखेंगे, इसमें से एक तो सूरज होगा, दूसरा एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा लाइक अ कॉमेट और अ मेटियोराइट। ये ऑब्जेक्ट अर्थ के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में क्रैश करेगा जिसके वजह से एक सुनामी आएगी जो बंगाल एंड उड़ीसा के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को डुबा देंगी। ये सुनामी वेव्स इतने विशाल होंगे कि पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर जो नील चक्र है वो उनके ऊपर से पास करेंगे एंड भगवान जगन्नाथ के जो भक्त है वो उनको पुरी से लेकर छत्यभाटा जो कटक से 30 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ उनको स्थापित करेंगे। इस सुनामी वेव्स के साथ सी में जितनी मछलियाँ हैं वो भी पुरी के अंदर आ जाएंगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि यानी सैटर्न मीन राशि यानी पाइसिस में रहेंगे एंड इसी समय के दौरान भारत वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करेगा। ये एक महायुद्ध होगा द ग्रेट वॉर एंड ये वॉर 13 मंथ्स तक चलेगा। भारत पे चाइना एंड 13 इस्लामिक कंट्री अटैक करेंगी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा जिसे इस्लामिक प्रोफेसिस में गजवाए हिंद भी बोला जाता है एंड ये युद्ध
भारत सिर्फ जीतेगा ही नहीं बट ऑल्सो अखंड भारत का भी निर्माण होगा। इस युद्ध के बाद चाइना छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा एंड ये 13 इस्लामिक कंट्रीज में से 12 इस्लामिक कंट्रीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका होगा क्योंकि वो अखंड भारत का हिस्सा हो चुका होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले 5 साल 5 महीने भारत युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये चाइनीज इस्लामिक अटैक के बाद ही भारत वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करेगा एंड इस पीरियड पे भारत पे मार्शल लॉ चलेगा। दुश्मन मुल्क भारत को चारों तरफ से घेर चुके होंगे जिसके वजह से भारत की इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगी एंड देश में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा जिसे रोकने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज किया जाएगा। भारत के कुछ दुश्मन अंदर से ही राम मंदिर एंड कोलकाता के कालीघाट मंदिर को अटैक करेंगे जिसके वजह से ये डैमेज हो जाएंगे। ऐसी अराजकता के बीच में विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि लोगों के बीच आएंगे एंड दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरह से मारेंगे। कल्कि के क्रोध के वजह से दुश्मन अपनी मौत की भीख मांगेंगे। इंडियन आर्मी बॉर्डर्स पे एंड ऑल्सो देश के अंदर दुश्मनों को उनके घर पे घुस के मारेंगे। ये 13 महीना का पीरियड बहुत ही भयंकर होगा बट अंत में भारत विक्टोरियस होगा। भविष्य मल्लिका के हिसाब से कल्कि अवतार 1999 फरवरी महीने में ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। वर्ल्ड वॉर के कारण सारे देशों की बॉर्डर्स चेंज हो जाएंगी एंड वर्ल्ड में सिर्फ 111 कंट्रीज ही बचेंगी एंड भारत ही पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा एक नए एरा की तरफ। अखंड भारत में डेमोक्रेसी नहीं होगी बट एक नया सिस्टम होगा जो डेमोक्रेसी से बेहतर एंड खुशहाल होगा एंड विश्व में सनातन धर्म इतना फैल जाएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म ही होगा जो हमें अभी से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है रशिया जैसी कंट्रीज में। 500 साल पहले लिखी भविष्य मल्लिका में पुरी के लास्ट राजा का नाम है गजापति महाराज जो आज 2023 में पुरी के राजा हैं एंड मल्लिका पे लिखा है जो इस पीरियड पे भारत के राजा होंगे जिन्हें हम अभी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं वही भारत के आखिरी राजा होंगे। ये एक पावरफुल हिंदू रूलर होंगे जिनका कोई संतान नहीं होगा और वो एक योगी पुरुष होंगे। तो इन सारे प्रेडिक्शंस में कुछ तो हो चुका है एंड कुछ के साइंस बहुत ज़्यादा ही विजिबल हैं। तो अगर आपको इस बारे में इससे ज़्यादा और कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट में हम सबके साथ शेयर करें एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज सोहम साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम।